लगभग 7 वर्षों के बाद सिंधेवाड़ी तहसील में शंकरपट शुरू होने से नागरिकों के साथ छोटे बच्चों में उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। झाड़ी पट्टी के रूप में प्रसिद्ध रहे सिंधेवाड़ी तहसील के गांव देहात में पहले शंकरपट तथा नाटकों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता था, मगर पिछले लगभग 7 वर्षों से शंकरपट पर पाबंदी लगाई गई थी। मगर हाल ही में एक बार फिर अनुमति मिलने से किसान तथा शंकरपट प्रेमियों में आनंद निर्माण हो गया है, जिसके कारण गांव में 7 वर्षों बाद शंकरपट का आयोजन किया जा रहा है। गांव में नागरिकों के साथ छोटे बच्चे भी शंकरपट का पहली बार आनंद ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सिंधेवाड़ी तहसील के गांव-गांव में शंकरपट आयोजित किया जाता था। हाल ही में रत्नापुर में शंकरपट का आयोजन किया गया था, जिसके कारण शंकरपट चर्चा का विषय बना। गौरतलब है 2014 में शंकरपट पर पाबंदी लगाई गई थी, जिससे नागरिकों में निराशा निर्माण हो गई थी। शंकरपट शुरू होने से छोटे बड़े व्यवसायियों ने अपनी दुकानें भी शुरू की है, और इस वर्ष शंकरपट शुरू होने से इसमें एक से एक आकर्षक बैल जोड़ियां लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वहीं बड़ी संख्या में नागरिकों ने इस शंकरपट का आनंद लिया। सिटी विगल हमारे विशेष प्रतिनिधि अमर बुद्धार पवार की रिपोर्ट।